दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप घर पे कैसे मिठाई बनाए। जैसे देखिए, मैंने ये गुड़ जो है वो रख दिया है पानी थोड़ा डाल करके। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम तिल कैसे भूने घर पे, उसका तरीका आप जान लीजिए। तिल को कैसे भूनना है, देखिए तिल है दोस्तों, ये एक कटोरी तिल आपने ले लिए। जैसे मान लीजिए ये वाले कटोरी तिल ले लिए आपको, और घर पे आपको बनाने हैं एक या दो कटोरी ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं 3 कटोरी ले लेती हूँ। मिठाई सबको अच्छी लगती है घर पे खाने में, और तिल जो है दोस्तों बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे आप उसे घर पे बनाए तो ये देखिए, ये तिल मैंने ले ली, और तिल को आप देखिए कैसे बनाती हूँ। और इसको पहले आपको तिल को भून लेना है। बाजार से तिल मिल जाते हैं, वो ले आइए और इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। ये मैंने गुड़ की चाशनी बनाने के लिए रख दी है उधर दूसरे वाली गैस पर। इसको पहले भून लीजिए आप अच्छी तरह से। सभी लोगों को इच्छा होती है, बच्चों को तो बहुत पसंद है तिल के लड्डू, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। और आपका खाने का जैसे मिठाई, अपने घर की मिठाई आप बनाइए दोस्तों, फायदे करती है वो। कभी भी इच्छा करे आप तिल भून लीजिए, जैसे आपको बता रही हूँ मैं, ऐसे भूनना है आपको। बिल्कुल गुलाबी गुलाबी भुन जाएंगे ये। देखिए किस तरह से ये भून रहे हैं, इसको आपको भून लेना है दोस्तों अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह ये भून रहे हैं दोस्तों, और निकाल लीजिए इसे अच्छी तरह से। ये देखिए भून गया ये। फिर इसको आपको निकाल लेंगे, इसको आपको कटोरी में निकाल लीजिए ऐसे आप। तो दोस्तों देखिए ऐसे निकल गए हैं, देखिए ये आपकी चाशनी बन रही है। चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, जब चाशनी बनाई है देख लीजिए, बस चेक कर लीजिए कि चाशनी आपकी 3 तार की हो गई है, तभी ये लड्डू के लिए। ये तो कुछ इसकी आप इसको आप जैसे चाहते हैं कि आप पट्टी सी बना लें तो पट्टी से भी बन जाएगी ये। कुछ लोग पट्टी बना लेते, कुछ लोग लड्डू बना लेते हैं दोस्तों। और इसको चेक करने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप 1 कटोरी पानी ले लीजिए दोस्तों। देखिए जैसे मैंने पानी लिया है, ये पानी ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको चेक करना है, अगर मान लीजिए इसमें लड्डू सा बन रहा है नीचे जाकर जम रहा है, तो ये चाशनी तैयार है, नहीं तो आप इसको और भी बनाते रहिए। अभी दोस्तों नहीं बनी है ये चाशनी, इसको अच्छी तरह बनने दीजिए।
फिर दोस्तों क्या करिए आप, मैं आपको आज बनाने बता रही हूँ कि पट्टी कैसे बनाते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप बाजार से पट्टी लाते हैं, बड़ी महंगी मिलती है, तो आप जैसे इसमें तेल लगा लीजिए, इसमें पूरे में, जैसे आपने इस प्लेट में तेल लगा लिया, इसे पूरे में तेल लगा लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपने बनाया है तिल, इसको आपको लेना है इसमें। जैसे ये तिल भून के भी सब रख सकते हैं आप, तिल को आप भून लीजिए, आप भून के रख दीजिए। अब फिर आप देखिए दोस्तों, मैं कटोरी ले रही हूँ, और ये चाशनी आप देख लीजिए बन गई है क्या, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि पानी में लड्डू टाइप का बनना चाहिए। तभी आपकी चाशनी जो तैयार होगी, और तभी आपका ये जमेगा, मतलब तिल जो है तभी जमेगा। ये देखिए दोस्तों, है ना। अब आपको देखिए, मान लीजिए आपको कुछ भी बनाना है दोस्तों, तो इसमें आप इसमें डालते जाइए, और जैसे कम लगेगा तो और डाल सकते हैं, आप लड्डू बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी चाशनी और इसमें बनेगी, तो बनने दीजिए आप, मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। जैसे आपने इसको पूरा मतलब जो है गुड़ डाल दिया इसमें, आपको कम लग रहा है तो आप ज्यादा मतलब इसमें तिल डाल दीजिए, या आपको गुड़ डालना है तो गुड़ भी डाल सकती हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है दोस्तों। अब जैसे आपको लड्डू बनाने हैं, तो आपने लिया इसको पकड़ा, थोड़ा पानी आप भर लीजिए अपने हाथ में। देखिए दोस्तों, मैंने पानी लिया और इस तरह से लड्डू बनाने हैं। इस तरह से थोड़ा पानी और लगाइए अपने हाथ में। फिर आप लड्डू बनाइए इसी तरह से। इस तरह से बनाइए, थोड़ा फिर पानी लगाइए इसमें अपने हाथ में। फिर आपको लड्डू बनाना है इसी तरह से। देखिए कितना अच्छा लड्डू बन रहा है, ये देखिए, है ना दोस्तों। इसी तरह से आपको सारे लड्डू है बना लेने हैं। देखिए, है ना, ये इस तरह से लड्डू बना के, और जब भी आपको मन करे कुछ खाने का, तो इसी तरह से आप चाशनी बना के दोस्तों रख लीजिए,
और जब भी आपका दिल करे, जैसे इसमें एक ताकी चाशनी बननी जरूरी है, जैसे लड्डू बनना जरूरी है इसका, और रख लीजिए इसको, और जब भी, और तिल भून कर रख लीजिए जैसे मैंने भून के रख लिए हैं, जब भी मुझे खाना होगा तो मैं ऐसे लड्डू बना के आराम से खा सकती हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।